हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज विस्लर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक एक्सपी का बीटा वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको विंडोज विस्लर के नाम से भी जानते हैं। हम लोग ने देखा था कि जब से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए थे, उन्होंने ग्राफिक धीरे धीरे चेंजेस करते गए। जैसे कि मेरे पास एक विंडोज 2000 का पिक्चर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफिक्स इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थे, आइकॉन भी ठीक ठाक ही थे और उसके स्टार्टअप वगैरह ठीक थे। बट सडनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ एक्सपी लॉन्च किया, जो कि कंपेयर टू विंडोज़ 2012 से टोटली ही डिफरेंट था। उसके आइकॉन टोटली चेंज हो गए, ग्राफिक लेवल को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया। उसमें बहुत सारे थीम वगैरह भी डाल दिए, इम्प्रूव किए एप्लीकेशन वगैरह। तो ये जो विंडोज़ 2012 और विंडोज़ एक्सपी के बीच का जो इतने ग्राफिक लेवल और अदर लेवल पे डिफरेंट है, उसके बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे बीटा वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए, जो कि लिमिटेड लोगों के पास एक्सेस थे। वो लोग क्या करते थे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते थे और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्रूव करते गए और फाइनली उन्होंने विंडोज़ एक्सपी लॉन्च किया। मेरे पास एक विंडोज़ विस्लर का बूटअप का पिक्चर्स है, मैं आपको शो करता हूँ। तो ये है विंडोज़ विस्लर का बूटअप का इमेज। वो मैंने कुछ स्पेशली 10 वर्जन डाउनलोड किया है विंडोज़ विस्लर का, जो कि अगर आप YouTube पे सर्च करना चाहेंगे तो कहीं पे भी विंडोज़ विस्लर के वीडियो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। सो ये फर्स्ट सीरीज है जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं विंडोज़ विस्लर या विंडोज़ एक्सपी के बीटा वर्जन की वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज़ एक्सपी का बीटा वर्जन 2410। आप इसको विंडोज़ एक्स विस्लर भी बोल सकते हैं। ये वर्जन है 2410। इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट की भी हमको डालना है। ये वाले पिछले वाले वर्जन्स में हमने एक भी इसके अंदर प्रोडक्ट की नहीं डाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं, ये बायोस डेट है। ये बायोस डेट पे हम लोग को इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ। ये मैंने नाम दे दिया है। कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो मैं पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे डी ड्राइव के अंदर वर्चुअल बॉक्स में रखना है। तो अगर आपने मेरा अभी तक वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप ऊपर आई पे बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको इजी रहेगा कैसे क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन इन वर्चुअल बॉक्स में। मैं इसमें 2 GB रैम दे देता हूँ और न्यू डिस्क इंटर, ओके नेक्स्ट, 10 GB हार्ड ड्राइव देना है, ओके क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही क्रिएट करता हूँ, ये मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर हमको सबसे पहले ये इंस्टॉल करना है MS-DOS 6.22। तो सबसे पहले विंडोज़ MS-DOS इंस्टॉल करने के लिए हमको एक वर्चुअल हार्डवेयर ऐड करना पड़ेगा फ्लॉपी कंट्रोल का। इसके अंदर मैं अपना फ्लॉपी इमेज डाल देता हूँ MS-DOS 6.22 का और ओके कर देता हूँ और रिस्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो मेरा नहीं देखा है कि कैसे MS-DOS इंस्टॉल करते हैं, तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि MS-DOS कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ वर्चुअल बॉक्स में। तो हम अपना डेट देख लेते हैं, हम लोग को MS-DOS और BIOS का डेट क्या देना है, 9/12/2000 देना है। तो मैं अपना MS-DOS का सेटअप को कंटिन्यू करता हूँ, इंटरफेस करता हूँ, इंटर। जैसे इंटरफेस करता हूँ ये सेटअप रिबूट हो रहा है और सी ड्राइव क्रिएट करने के बाद वो फॉर्मेट कर रहा है सी ड्राइव को। और मेरा सी ड्राइव फॉर्मेट होने के बाद यहाँ पे मेरे को डेट दिखा रहा है और कंट्री का नाम, कीबोर्ड लेआउट। तो हमको डेट चेंज करना है बायोस की। तो पहले यहाँ पे मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। तो मैं यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ 12 और डेट है 09 डाल देता हूँ और ईयर है 00 मतलब 2000। इंटरप्रेस करता हूँ, ओके। यहाँ पे कंट्री का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। ये 6.22 है, इसके अंदर आपका इंडिया में तभी लॉन्च नहीं हुआ था, इसके लिए इन लोगों ने इंडिया मेंशन नहीं किया यहाँ पे।
तो मैं यूनाइटेड स्टेट लेता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, वापस से इंटर टू कंटिन्यू, ये सेटअप फाइल कॉपी करना स्टार्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा MS-DOS 6.22 इंस्टॉल हो चुका है। आपने MS-DOS इंस्टॉल करना नहीं देखा है तो मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई पे बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके लिए विंडोज़ MS-DOS 6.22 इंस्टॉलेशन का पार्ट स्किप किया ताकि वो वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे मैं वापस से जाता हूँ और अपना ISO इमेज माउंट कर लेता हूँ जो हमको विस्लर इंस्टॉल करना है। तो हमें इंस्टॉल करना है 2410 का CD माउंट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं CD माउंट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है डी ड्राइव में मेरा CD रोम है, डी पे माउंट हुआ है। जैसे मैं डी ड्राइव करता हूँ और DRW करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे ISO इमेज के अंदर फाइल्स है और फोल्डर्स है। मैं CD करता हूँ और I380 में जाता हूँ, 86 में जाता हूँ और यहाँ पे कमांड रन करता हूँ विनिट। जैसे मैं विनिट रन करता हूँ तो ये मेरा सेटअप विस्लर का ओपन हो चुका है। मैं इंटरफेस करूँगा कंटिन्यू करने के लिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है विंडोज़ विस्लर की, वो मेरे हार्ड डिस्क में कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक ये कॉपी होता है हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं मेरा फाइल्स कॉपी हो चुके हैं। सो मैं इंटरप्रेस करता हूँ। जैसे इंटरप्रेस करता हूँ ये मेरा अपग्रेड विस्लर के ऊपर से बूट हो रहा है, या मैं इंटरप्रेस करके वापस से बूट कर सकता हूँ। इंटरप्रेस करता हूँ वापस से इंटर टू कंटिन्यू, तो वो यहाँ पे लाइसेंस अग्रीमेंट बोल रहा है, ये मैं इंटरप्रेट करके एफएट प्रेस कर सकते हैं। ये सी ड्राइव है, पहले से सी ड्राइव क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर MS-DOS है, हम लोग को उसको डिलीट नहीं करना है क्योंकि हमने अभी जो विस्लर की सेटअप फाइल है उसी ड्राइव के अंदर हार्ड ड्राइव में कॉपी किया हुआ है। तो हम एक और न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे और इंटरफेस करेंगे। ये मेरा ई ड्राइव क्रिएट हुआ है, ई पार्टीशन, मैं उसके अंदर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरे को पूछा है कौन से फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना है, मैं NTFS सिलेक्ट करके कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरा पार्टीशन फॉर्मेट हो रहा है और अब मेरा सीड जो पार्टीशन क्रिएट किया है उसको चेक कर रहा है और ये मेरा फाइल कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है। मेरा फाइल कॉपी हो गया है, ये बोल रहा है इंटर टू रिबूट, मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, वापस से मेरा वर्चुअल मशीन रिबूट होगा और मेरा जो विंडोज़ विस्लर का सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। वापस से मेरा विंडोज़ विस्लर का आप देख सकते हैं ये है बूट लोडर, तो ये मेरा बूट लोड हो रहा है और मेरा वापस से सेटअप ओपन हो चुका है, हो रहा है, थोड़ा स्लो है कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं पिछले अगर सेटअप से कंपेयर करेंगे तो ये ग्राफिक में सेटअप दिखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इसमें थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं सेटअप कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन में। तो आगे और हम देखेंगे कि क्या क्या इम्प्रूव हुआ है इसके अंदर, तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो इसने इंस्टॉलेशन डिवाइसेस जो है वो इंस्टॉल करना चालू कर दिया है, तो हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है। और इसने फाइल जो कॉपी करने के बाद वापस से मेरे को नेक्स्ट करने के लिए बोला। यहाँ पे यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ थिंग, आप अपने हिसाब से यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हैं, और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट की पूछा है, पिछले हम दो वर्जन में देखा हमने कि वहाँ पे प्रोडक्ट की नहीं मांग रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा है। एनीवे मेरे पास एक प्रोडक्ट की है वो मैं डाल देता हूँ, आपको ये डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की मिल जाएगा। अदरवाइज जो आप फाइल्स डाउनलोड करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन से, इसका ISO इमेज उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रोडक्ट की डाल दिया है और मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया प्रोडक्ट की। वापस से ये मेरा होस्ट नेम है और ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, अगर मैं डालना चाहूँ तो मुझे ब्लैंक करके नेक्स्ट करना है। वहाँ पे मेरा टाइम जोन चेंज करना है, मैं टाइम जोन अपना ले लेता हूँ 5:30 और हमको ये टाइम एंड डेट सेम रहने देना है।
और नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ वो नेटवर्क की जो भी फाइल्स है वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है और कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल कॉपी हो रही है। तो हम लोग जब तक ये होता है हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा। और ये मेरा कॉपी फाइल्स कॉपी हो चुके हैं, अब वापस से एक बार वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हो रहा है और मैं विंडोज़ विस्लर को इंटर प्रेस करके वहीं से बूट करता हूँ। जैसे ही मैं बूट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये विंडोज़ विस्लर का बूटअप स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉर टेस्टिंग पर्पज़ ओनली। ये मैंने आपको पहले ही बताया ये विंडोज़ विस्लर जो है ये बीटा वर्जन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने टेस्टिंग के पर्पज़ रिलीज़ किया था। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा ग्राफिक में इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन के, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है अब इस ऑन होने में। तो आप देख सकते हैं ये मेरा विंडोज़ विस्लर ऑन हो चुका है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पिछले वर्जन से तो ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है और ये ग्राफिक्स भी अपने आप ये डिटेक्ट कर रहा है इसको अपना विंडोज़ ग्राफिक ड्राइवर्स। तो हम देख सकते हैं मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ तो यहाँ पे टोटली आइकॉन चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत आइकॉन वैसे ही है। माई कंप्यूटर का आइकॉन चेंज हो गया है, थीम्स थोड़ा इम्प्रूव हो गए हैं। मैं अपना थीम में जाता हूँ तो और भी यहाँ पे थीम है, स्क्रीन सेवर्स ओके। तो हम लोग इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। हम लोग माई कंप्यूटर में जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ करता हूँ मैं, तो ये ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ विस्लर 2.4.10 इसका वर्जन है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं वापस से इसको रिबूट कर लेता हूँ। अगर मैं ग्राफिक की बात करूँगा तो आप देख सकते हैं कितना इम्प्रूव हुआ है वो। तो मैं एक बार रिबूट करके वापस से ऑन कर लेते हैं। तो ये मेरा वापस से विंडोज़ विस्लर ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफिक में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप विंडोज़ विस्लर का 2.4.10 वाला वर्जन इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्जन के वीडियो में।